राम राम भाई सारे आने। तो आज है हमारा 75 हार्ड YouTube वीडियो अपलोडिंग चैलेंज का 75th डे, फाइनल डे है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया इस सीरीज़ के दौरान में। जो आपने अभी अभी देखा उस टाइप का शॉट आज हम बनाना सीखेंगे टोटली फ्यूजन के अंदर। बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था फ्यूजन के ऊपर और ट्यूटोरियल लाइए, कंपोजिटिंग के लाइए। तो मैं रिसेंटली लाने शुरू किए और मैं स्टेप बाय स्टेप ला रहा हूँ। धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा एडवांस करता जाऊँगा ताकि आप लोग सब ग्रेजुअली सीखते जाएं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम 3D कैमरा ट्रैकिंग करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को 3D कैमरा ट्रैकिंग में भी इशू आ रहे होते हैं, उनको कैमरा ट्रैक कर नोट चलाना नहीं आता, तो वो भी हम करेंगे। और एक मॉन्स्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे सीन के अंदर जो आपने देखा स्टार्टिंग में। तो मैं एक बार आपको खोल करके दिखा देता हूँ यहाँ पर सीन किस तरह का है। तो ये आपने सीन देखा था, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक ये वीडियो है, कुछ यहाँ पर टेक्स्ट ट्रैक हो रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेड एंड, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीज़ यहाँ पर ट्रैकिंग से हमने की है। उसके अलावा थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं हम दूर से हम एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये मॉन्स्टर है, इस मॉन्स्टर की शेडो है, राइट, और ये कंपोजिटिंग है। थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे तो लाइट हल्की हल्की फ्लिकर हो रही है, ये सब कुछ है, राइट। ये सब हम करने वाले हैं फ्यूजन के अंदर, टोटली डाविंची रिजॉल्व के अंदर। तो वीडियो में पहले आपको दिखाया था, रॉ वीडियो जो है वो इस टाइप का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा इसमें कलर ग्रेडिंग वगैरह नहीं हो रखी क्योंकि मैंने उस फाइनल शॉट में थोड़ा उसको और डार्क वगैरह बनाया था। तो इस तरह से कैमरा मूव करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। आप कोई भी शॉट ले सकते हैं, ये मैंने पिक्सल्स से लिया हुआ है, आप अपनी मर्जी का खुद का शूट भी कर सकते हैं। मेरा मेन पर्पज़ ये है कि इसके अंदर आपको कंसेप्ट दिखा दूँ, जैसे 3D कैमरा ट्रैकिंग कैसे करनी है और उसके अंदर जो है 3D सीन के अंदर 2D प्लेट्स को कैसे लगाना है और कॉम्पोजिट कैसे करना है, राइट। तो हम चलते हैं फ्यूजन में। अब मैं इसको यहाँ पर जो है थोड़ा आगे ले आते हैं ताकि हम अलग थोड़ी सी जगह पर ये चीज़ बना लेते हैं। और सबसे पहली चीज़ क्या है कि मैं ये शॉट लेकर के आऊँगा, इस शॉट को मैं यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ, राइट। तो शॉट हमारा यहाँ पर आ गया, इस तरह आप देख सकते हैं चल रहा है ये, राइट। और सिंपली इसको फ्यूजन के अंदर जाना है हमें, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और इसके ऊपर कोई भी और लेयर ना हो ये देख लेना आप, क्योंकि जो भी अपर लेयर विजिबल होती है वो फ्यूजन में खुल जाती है जब आप फ्यूजन टैब पर जाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ फ्यूजन टैब के ऊपर, यहाँ पर हम आ गए। इस तरह से चीज़ यहाँ पर है, दो व्यूअर यहाँ पर हैं, आपको पता ही होगा कि लेफ्ट साइड पे फर्स्ट व्यूअर है, सेकंड व्यूअर राइट साइड पे, मीडिया आउट राइट साइड पे, और फर्स्ट व्यूअर में अभी कुछ भी नहीं है, राइट। सबसे पहली चीज़ क्या है, मैं मीडिया वन को सिलेक्ट करता हूँ जो बेसिकली हमारी ये इनपुट इमेज है। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं बेस वीडियो, ताकि बेसिकली हमें पता रहे कौन सी चीज़ कहाँ पर है, राइट। कंट्रोल स्पेस में प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ट्रैकर, और यहाँ ऊपर जो है 3D कैमरा ट्रैकर है। इससे पहले भी मैंने नॉर्मल ट्रैकर के ऊपर ट्यूटोरियल बनाया, तो जिन्होंने अगर उसमें इंटरेस्टेड हो नॉर्मल सरफेस ट्रैकिंग के लिए तो वो देख सकते हैं, पीछे मैंने इसी सीरीज़ के अंदर डाला हुआ ट्यूटोरियल इसके ऊपर। फिलहाल कैमरा ट्रैकर पे हम चलते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर कैमरा ट्रैकर हमारा आ गया है। इधर यहाँ पर ऑप्शन है सारी कैमरा ट्रैकर की। मोस्ट केसेस में जब आपकी फुटेज इस तरह की हो कि बहुत आराम से चल रहा है कैमरा, कोई मोशन ब्लर नहीं है, ठीक है, मोशन आपका नॉर्मल हो, आपका ऑटो ट्रैक काम कर जाएगा, राइट। जब आपकी फुटेज में इश्यूज होते हैं ज़्यादा तब आपको और चीज़ें करनी पड़ती हैं, अदरवाइज ऑटो ट्रैक काम कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रीव्यू ऑटो ट्रैक लोकेशंस जो है ये लिखा हुआ है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर जो है ये पॉइंट नज़र आ जाते हैं कि कितने पॉइंट यहाँ पर हैं। तो करेंटली मेरे पास काफ़ी पॉइंट यहाँ पर हैं। अगर आप चाहें डिटेक्शन को बढ़ाना तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं थ्रेशोल्ड को, एंड मिनिमम जो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम फीचर सेपरेशन इसको कम कर सकते हैं। जितने से कम करेंगे उतने पॉइंट बढ़ जाएंगे, बट माइंड इट, जितने पॉइंट बढ़ जाएंगे एक तो ट्रैक आपको बहुत मुश्किल से होगा और सॉल्व होने में आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा, तो बहुत इश्यूज आ जाते हैं। इसको मज़े लेने के लिए मत बढ़ाना। अगर कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत लग रही है कि आपकी फुटेज ट्रैक नहीं हो पा रही ऑटो में तो इन चीज़ों को करना, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं सब कुछ यहाँ पर हटा रहा हूँ, सिर्फ बताना था आपको ये। और ये मेरी लास्ट वीडियो नहीं है कैमरा ट्रैकिंग के ऊपर, मैं इस सीरीज़ के अंदर और वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है जैसे मैंने बोला लेवल इंक्रीज़ करता जाऊँगा हार्डनेस का, कि किस किस तरह के शॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे। तो कैमरा ट्रैकिंग इन डिटेल हम आगे भी बढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो है ऑटो ट्रैक, इस पर आपने कर देना क्लिक और ये ऑटोमेटिकली इस तरह से पॉइंट सर्च करेगा और ट्रैक करेगा, राइट। और जिस केस में आपका नॉर्मल इस तरह का कैमरा मोशन है, ठीक है, बहुत बेसिक भी नहीं है ये, सामने की तरफ कैमरा जा रहा है और काफ़ी जो है लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रेवर्स कर रहा है, तो आपकी जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे लंबा यहाँ पर प्लेन बनेगा, बट ये इस चीज़ को आराम से कर लेगा क्योंकि इसके अंदर कोई मूविंग एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, कोई ह्यूमन नहीं घूम रहा है इसके अंदर, कोई गाड़ी नहीं निकल रही। तो ऐसे शॉट्स के अंदर यहाँ पर इस तरह से ट्रैकिंग आपकी हो जाती है। अब ये चीज़ हो गई यहाँ पर, अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपली यहाँ पर जो कैमरा की ऑप्शन है इस पर जाना है। अगर तो आपको मालूम है आपके कैमरा की फोकल लेंथ वगैरह क्या थी, कौन सा कैमरा था, फिल्म बैक क्या थी, तो आप यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, बट क्योंकि मैंने ये पिक्सल से लिया है मुझे कैमरा इन्फॉर्मेशन है नहीं कुछ भी, तो इसको मैं पूरा स्किप कर दूंगा। थर्ड टैब पे आना है सॉल्व के ऊपर, इस पर अगर के कुछ नहीं करना, मुझे सिंपली सॉल्व पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये सॉल्विंग शुरू हो जाएगी। ये क्विकली हो गया। अगर मैंने ये पॉइंट बढ़ा लिए होते यहाँ पर पीछे बहुत सारे,
तो यहाँ सॉल के ऊपर अटक जाता और क्रैश भी हो जाता सॉफ्टवेयर, राइट। सो वो बहुत देख करके बढ़ाने हैं पॉइंट वहाँ पर, ठीक है। बहुत थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हो जब रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज जो है उसको नॉर्मल रहने दो। और ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपको चेक करना है एवरेज सॉल्व एरर कितने हैं। अब हमारे केस में 0.3 यहाँ पर सॉल्व एरर है, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक ट्रैक है। इसका मतलब है अगर आपका एरर 1 से नीचे है, 0.6, 0.7, 0.5 कुछ भी ऐसा है, तो बहुत सही है। अगर आपका सॉल्व एरर 1 से ऊपर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ पॉइंट, जैसे ये रेड पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा रेड का मतलब है कि ये ट्रैक सही नहीं हुआ है, येलो मतलब ये मॉडरेट ट्रैकिंग है, और ग्रीन मतलब सॉलिड ट्रैक है। तो ऐसे रेड पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ जाकर डिलीट कर सकते हैं, राइट। और डिलीट करके इसके बाद में सॉल्व को दोबारा से क्लिक कर देंगे तो दोबारा वो उस पॉइंट्स की जो नई सिचुएशन है उसके हिसाब से अपडेट कर देगा। तो हमारा 0.3773 था। अब देखते हैं इससे एक पॉइंट से कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं, आई डोंट थिंक एक पॉइंट से इतना फ़र्क पड़ना चाहिए, स्टिल देख लेते हैं। तो यहाँ 0.706 हो गया, तो एक पॉइंट से भी फ़र्क पड़ता है। अभी ट्रैकिंग तो हो गई है यहाँ पर, लेकिन आपका यहाँ पर कोई कैमरा नहीं बना है, कोई सीन डेवलप नहीं हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट जो टैब है एक्सपोर्ट, उस पर जाना है। तो सब कुछ सीक्वेंशियल है, पहले ट्रैक किया, कैमरा इन्फॉर्मेशन डाली, अगर है तो नहीं डाली तो इट्स ओके, ऑटोमेटिक जो आ रही है वो आएगी। थर्ड नंबर पे सॉल्व किया, सॉल्व होने के बाद में एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको। तो एक्सपोर्ट में यहाँ पर सारी ऑप्शन आपके जैसे बंद हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। 3D सीन ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है, एक ग्राउंड प्लेन की ऑप्शन है, ठीक है, और नीचे एक्सपोर्ट ऑप्शन है। इसमें बाय डिफॉल्ट शो इन व्यू जो है ऑफ होता है ग्राउंड प्लेन का, अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो आपको व्यू में नजर आएगा एक्सपोर्ट होने के बाद, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैं इसको करंटली ऑफ ही रखता हूँ, आपको दिखाऊंगा बाद में अगर आपका ऑफ रहता है और आपको देखना हो तो कैसे देख सकते हैं। और इसका डिफॉल्ट कलर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सबको आप छेड़ सकते हैं, करंटली इसकी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वायर फ्रेम ये हो रखे हैं, तो यहाँ पर आपको ये वायर फ्रेम फॉर्मेट में नज़र आने वाला है, राइट। मेन आ गया यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन, इसमें आपका कैमरा एक्सपोर्ट हो रहा है, इमेज प्लेन एक्सपोर्ट हो रहा है, पॉइंट क्लाउड जो ये सारे पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ग्राउंड प्लेन हो रहा है, और रेंडरर ये हो रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ठीक है, हमको ऑलरेडी चाहिए, सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं और यहाँ से एक साथ सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं सारी ही करूँगा, कुछ भी ऑफ नहीं करूँगा इसमें। और नीचे एनिमेशन में एनिमेटेड कैमरा की ऑप्शन है, दूसरी है एनिमेटेड पॉइंट क्लाउड, हम एनिमेटेड कैमरा ही रखेंगे, हमें कैमरा के साथ एनिमेशन चाहिए, ना कि हमें सीन को एनिमेट होता देखना है। और आप सोचेंगे कि फिर ऑप्शन ही क्यों है, क्योंकि हमें तो कैमरा ही चाहिए, तो दूसरी ऑप्शन किस लिए है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उस केस में आपको कई बार ऑब्जेक्ट ट्रैक करनी होती है सर्टेन टाइप पे, तो आप चाहते हो कि वो पॉइंट क्लाउड ही पूरा मूव करे ताकि आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग डेटा मिल जाए, राइट। फिलहाल हम चलते हैं वापस से ऊपर, और यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन है, इसको कर देते हैं प्रेस। जैसे मैंने प्रेस किया, यहाँ पर ये कुछ नंबर ऑफ नोड्स आ गई हैं, इसको मैं उठा करके यहाँ ले आता हूँ, राइट। सो हमारा ऊपर कैमरा ट्रैकर लगा हुआ है, नीचे हमारी, मैं इसको कर लेता हूँ सारे को, एंड अब जो ये कनेक्शन जा रहा है यहाँ कैमरा ट्रैकर से, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ इसे कनेक्ट, क्योंकि अब यहाँ पर जो भी काम होने वाला है हम चाहते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो, राइट। इनफैक्ट मैं नहीं करता, पहले इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आएगी क्यों हम ये कनेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल बस ये हमारे पास नोड्स आ गई, मैंने इसको नीचे किया है। यहाँ पर एक मर्ज 3D की नोड है, एक कैमरा 3D की है, ठीक है, पॉइंट क्लाउड है, ग्राउंड प्लेन है, और ये कैमरा रेंडरर नोड है, ठीक है। तो ये कैमरा ट्रैकर 1 रेंडरर है, इसका नाम मैं चेंज करके सिर्फ रेंडरर कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आ जाए। तो हमारी ये रेंडरर नोड है, ठीक है, मर्ज 3D, कैमरा 3D, पॉइंट क्लाउड एंड ग्राउंड प्लेन। अब मैं इस थोड़ा सा इसको विंडो को बड़ा कर लेता हूँ ताकि व्यूअर 1 नज़र आ जाए। अब मर्ज 3D को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 1 प्रेस करता हूँ ताकि फर्स्ट व्यूअर जो है उसके अंदर ये सीन पूरा नज़र आ जाए। ऑल्ट प्रेस करके मिड माउस बटन को मैं जब प्रेस करके घुमाता हूँ तो इस तरह से मैं रोटेट कर पाता हूँ और ये सारे हमको यहाँ पर पॉइंट क्लाउड दिख पा रहे हैं, ठीक है। और आपको ऑलरेडी देख के समझ में आ रहा है कि ये कॉरिडोर टाइप की चीज़ बनी हुई है, राइट। और सिंपली मैं कोई भी बटन प्रेस ना करके सिर्फ मिड माउस से अगर प्रेस एंड ड्रैग करता हूँ तो इस तरह से मैं इधर मूव कर सकता हूँ। इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कॉरिडोर हमारा बना हुआ आ गया, ठीक है। इसके अंदर हमारा यहाँ पर कैमरा है जो कि यहाँ पर मूव कर रहा है, देखो कैमरा की एनिमेशन हो रखी है, तो कैमरा मूव करता हुआ जा रहा है, राइट। अब ये पॉइंट क्लाउड जो है इनके पास अगर हम जाते हैं, कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो जूम इन कर सकता हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट क्लाउड हैं, मुझे इसका साइज छोटा करना है, इतने बड़े बड़े मुझे साइज़ में नहीं चाहिए। तो पॉइंट क्लाउड 3D1 जो लिखा है इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसका साइज़ की ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर इसको नंबर पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ लेफ्ट साइड को तो पॉइंट्स को मैं छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतना कुछ कर लेता हूँ ताकि मुझे ये थोड़ा क्लियरली नज़र आ जाए। मुझे दिख रहा है कि ये लेफ्ट वॉल है, ये राइट वॉल है, दीवारें हैं ना दोनों, और ये नीचे हमारा जो है फ्लोर है, तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को यहाँ पर प्लेस भी कर सकते हैं, राइट। सिंपली हमें क्या करना है, अभी टेस्टिंग के लिए मैं एक टेक्स्ट यहाँ पर प्लेस करके देखता हूँ। उसके लिए मैं कहीं भी बाहर क्लिक कर देता हूँ, इधर बाहर क्लिक करके मैं अब यहाँ पर जो टेक्स्ट 3D का ऑप्शन है ये, इस पर क्लिक करता हूँ तो एक टेक्स्ट 3D बन करके आ गया। इस पर मैं लिखता हूँ टेस्ट, और इसको मैं यहाँ से पॉइंट को पकड़ता हूँ और मर्ज 3D के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ।
तो जैसे मैंने इसे मर्ज 3D में डाला, ये सीन के अंदर आ गया और है कहाँ पर, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं कैमरा से आगे ले आता हूँ। ठीक है, अब ये मैं इसको कैमरा से आगे ले आया हूँ। ठीक है, और ये अभी बहुत हाइट पे है, मुझे इसे थोड़ा नीचे ले करके आना है, क्योंकि ये ऊपर जो है ये आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाली छत के भी कुछ पॉइंट्स आए जब अंदर चले आते हैं। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि ये ग्राउंड लेवल के आसपास हमें नजर आए। तो ये मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन अगर हो रही है कि ग्राउंड लेवल कहाँ पे है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ग्राउंड प्लेन के बारे में जो बात कर रहा था मैं। ये आपको पर्पल कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, ये ग्राउंड प्लेन है आपका, जो कि मैंने आपको सेटिंग बताई थी ना कि यहाँ पर अगर आप कैमरा ट्रैकर में जाते हैं और एक्सपोर्ट में, ये वाला ग्राउंड प्लेन, तो ये आपका शो इन व्यू हमने नहीं किया था, ये वही पर्पल कलर का वायर फ्रेम में नज़र आ रहा है। ठीक है, पर्पल वायर फ्रेम। अब इसको अगर आपको पूरा देखना हो यहाँ पर, तो आपको सिंपली इधर जाना है, ग्राउंड प्लेन जो हमने एक्सपोर्ट किया है इस पर क्लिक करना है, और इसकी यहाँ पर ऑप्शन साइड नज़र आ रही है, ये वायर फ्रेम जो है ना, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो डिसेबल हो जाएगा, और ऐसे पूरा हमको ये ग्राउंड प्लेन नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा तिरछा सा ग्राउंड प्लेन है ये। अब अगर आप इसको टेक्स्ट 3D को पकड़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कहाँ पे ग्राउंड प्लेन के साथ कट कर रहे हैं, तो आप एक्यूरेटली इसको सेट कर सकते हैं। राइट, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे कट हो रहा है ये, तो यहाँ कहीं पर हम टेस्टिंग के लिए रख लेते हैं। ठीक है, और ग्राउंड प्लेन के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा रोटेटेड भी है। चलो, ये सारी बात रही अलग, ये कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये है कि ये सब कुछ यहाँ रेंडरर में हो रहा है और मीडिया आउट जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है, इसलिए अब मैं रेंडरर जो नोड है इसको मीडिया आउट में यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये उधर से कनेक्शन हट गया और यहाँ से आ गया। ठीक है, तो जो भी काम हम करेंगे 3D मर्ज 3D के अंदर, वो सब हमें यहाँ पर नज़र आने वाला है। और अगेन, जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा ये टेढ़ा है यहाँ पर टेक्स्ट, इस टेक्स्ट 3D को पकड़ करके मैं इसको यहाँ पर इसकी ऑप्शंस हैं, इसमें ट्रांसफॉर्म पे जा करके यहाँ पे इसको रोटेट वगैरह कर सकता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई के अंदर इधर, जेड में थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा उसके हाथ में अलाइन हो जाइए। राइट, एंड थोड़ा सा इसको आप बाहर निकाल लें, थोड़ा सा और इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये हमारा प्लेन नज़र आ रहा है, ग्राउंड प्लेन, मैं चाहता हूँ कि ना नज़र आए, इस पर जा करके मैं इसको वापस से वायर फ्रेम कर देता हूँ ताकि वो दिखाई ना दे। अब अगर मैं इस चीज़ को ऐसे मूव करता हूँ, देख रहे हो हमारा टेस्ट जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर ट्रैक हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। राइट, तो अब हमारी उस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, तो उसमें हमने दो तीन चीज़ें की। एक तो यहाँ पर डेड एंड का टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो पहले हम यही चीज़ करते हैं और उसके बाद मेरे मॉन्स्टर के ऊपर आएंगे। सिंपली ये टेक्स्ट 3D को ही मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसके टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेड, एंटर ENDED। तो डेड एंड मैंने लिख दिया है, और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, एंड इसका फॉन्ट अब बेसिक है तो मैंने थोड़ा एक डरावना सा फॉन्ट ढूंढा था, और आप भी इस तरह का कोई कूल सा फॉन्ट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये ढूंढा था डेड स्पिरिट, चलो ये वाला लगा के देखते हैं, अभी थोड़ा देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ये मैंने कर दिया। और वाइट से इसका कलर हटा करके मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली रेड की तरफ, एंड डार्कर रेड, ताकि ये थोड़ा सा सीन में ब्लेंड हो सके, ऐसा रख देता हूँ। और इसको मुझे यहाँ पर अब प्लेस करना है, इसके लिए मैं एक बार ग्राउंड प्लेन को वापस से वायर फ्रेम से हटाता हूँ ताकि थोड़ा दिख जाए कहाँ पर ग्राउंड प्लेन है, एंड ये टेक्स्ट 3D को सिलेक्ट करता हूँ। ये आपको अगर थोड़ा मुश्किल भी लग रहा हो ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो ये बहुत इजी है, आपके सारी ऑप्शन यहाँ नोड आपके अलग अलग हैं, ग्राउंड प्लेन को, इन चीज़ों को आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, और सारी चीज़ें जाकर के मर्ज 3D के अंदर मिक्स हो रही हैं, और मर्ज 3D से आगे वो रेंडरर में जा रहे हैं ताकि फाइनल आउटपुट आपके निकल सके। तो जो भी आप 3D एलिमेंट भी इसमें डालेंगे, मान लीजिए कोई FBX फाइल डाल देते हैं, 3D मॉडल लेकर के आते हैं, वो सब आपकी मर्ज 3D के अंदर ही जाने वाली है। ठीक है, और इस तरह की टेक्स्ट 3D या कोई इमेज प्लेन वगैरह बनाते हैं, वो सब कुछ आपका मर्ज 3D में मिक्स होगा। और यहाँ पर आप मर्ज 3D नोड को जो है फर्स्ट व्यूअर में खोल के रखें, इस तरह से फिर आप यहाँ पर उसको ईजिली चीज़ों को यहाँ पर देख पाएंगे, मूव कर पाएंगे। यहाँ करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म पे जा करके रोटेट करूँगा एक्स एक्सिस में, और ये -90 में कर देता हूँ ताकि बिल्कुल फ्लैट हो जाए ये ग्राउंड के ऊपर। अब क्या हुआ है, ग्राउंड प्लेन से नीचे चला गया, थोड़ा सा मैं इसको उठा करके ऊपर लाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड प्लेन हमारा थोड़ा तिरछा है, क्योंकि सम पार्ट ऑफ टेक्स्ट हमारा पहले ऊपर आ गया और बाकी का बाद में आया। राइट, आप देख सकते हो कि इतना पोर्शन पहले आ गया था। तो पहले मैं पूरे टेक्स्ट को ले आता हूँ बाहर, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ नेगेटिव, और जब तक ये वापस से इसके अंदर नीचे ना चला जाए, तो मैं यहाँ कहीं रखूँगा। तो अब हमारा ये पूरा ग्राउंड के ऊपर है, मुझे पता लग गया। ठीक है, इस टाइम पे मैं ग्राउंड प्लेन को अगर ऑफ भी कर देता हूँ,
यहाँ पर ग्राउंड प्लेन पे आकर के वायर फ्रेम इसका कर देते हैं ऑन। और ये मुझे बार बार जाके वायर फ्रेम भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं ग्राउंड प्लेन को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल पी प्रेस कर दूंगा तो ये बाईपास हो जाएगा, कंट्रोल पी दोबारा प्रेस करूंगा आ जाएगा। और ये सिर्फ शॉर्टकट है, अगर आप जाकर के यहाँ से भी इसको करेंगे तो बाईपास यहाँ से भी हो जाएगा, राइट। तो मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो भी यही चीज़ ऑफ होती है, ये जो बटन है, ठीक है। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप बटन से करना चाहते हैं बटन से कर सकते हैं, और शॉर्टकट तक से करना चाहें तो शॉर्टकट से कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये देखिए इस तरह से रखा हुआ है टेक्स्ट, ये एक तो ये बहुत आगे है, मुझे इसको कैमरा जब स्टार्टिंग में है उस जगह के आसपास लाना है तो मैं इसको थोड़ा और पीछे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया एंड थोड़ा जूम इन करते हैं, इसको मैं और पीछे यहाँ ले आता हूँ, यहाँ कहीं ले आता हूँ, राइट। इसके साइज़ को मैं ओवरऑल पहले थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि सारा का सारा जो है इन दोनों जो रेलिंग्स हैं उसके बीच में आ जाए, अदरवाइज़ वो ऑफ लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये रेलिंग के बीच में आ गया है, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम के ऊपर हमें और ऑलरेडी एंड कटा हुआ है तो थोड़ा सा मैं इसको आगे कर देता हूँ, यहाँ कहीं कर देता हूँ। अब ये ठीक है, एकदम ट्रैक हो गया, यहाँ पर हम प्ले कर रहे हैं, रखा हुआ नज़र आ रहा है, बट ऑब्वियसली इतना रीडेबल नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल हम ऊपर से देखें तो रीडेबल रहेगा, लेकिन हम इस एंगल से देख रहे हैं तो ये सारा टेक्स्ट छोटा लग रहा है। तो उसके लिए क्या है, मुझे एक एक्सिस में इसको स्केल करना है, बट यहाँ पर जो मैं साइज़ है इसको स्केल करता हूँ तो कम्प्लीटली स्केल होता है, तो फॉन्ट साइज से ये चीज़ नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है ये ट्रांसफॉर्म के अंदर और यहाँ पर लॉक एक्स वाई जी है इसका स्केल पे, इसको आपने खोल देना है क्योंकि यहाँ से भी आप स्केल करोगे तो ओवरऑल स्केल होगा। तो मैं लॉक को खोल देता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सिर्फ एक्स एक्सिस में करना चाहूँ या सिर्फ वाई में करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जेड में ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा क्योंकि ये अभी 2D टेक्स्ट है, और एक्चुअली ये है तो 3D टेक्स्ट, ये हमने इसको एक्सट्रूड नहीं किया हुआ। अगर आप इसको एक्सट्रूड कर देते हैं तो ये 3D भी हो जाएगा। एक्सट्रूजन के लिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है इसमें आपने जाना है और यहाँ पर नीचे एक्सट्रूजन के ऑप्शन है, इसमें अगर आप एक्सट्रूजन डेप्थ को बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर वो 3D में बढ़ गया, राइट। करंटली हमको ये 2D टाइप ही चाहिए तो एक्सट्रूजन हम 0 ही रखेंगे, इसलिए ये फ्लैट ताकि हमें नज़र आए। अगेन ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं और हमने ओपन किया था, इसमें मैं वाई में इसको इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको रेंडर वाले पार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। अब क्या है कि हमारा कैमरा जब आगे मूव करेगा, मैं मूव कर रहा हूँ इसको प्लेहेड को, तो अब आप इसको पढ़ पाएंगे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको मैं और भी बड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा ये और आगे चीज जा सकती है। एंड एक और चीज़ है कि ये जो सेंटर थोड़ा सा ऑफ लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ इस पोर्शन पे जा करके एंड इसको थोड़ा और मैं स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी वो इफेक्ट्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ से जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर हल्का सा लेफ्ट मूव कर लेता हूँ। अभी ना एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देख रहे हो एक मैनिपुलेटर तो ये नज़र आ रहा है टेक्स्ट के लिए, ठीक है, दूसरा यहाँ कैमरे का भी है, तो ये मल्टीपल नज़र आते हैं। आपने जो चीज़ सिलेक्ट की है ध्यान रखना कि आप उसी वाले का मूव कर रहे हैं, कई बार आप दूसरे को पकड़ के हिलाते रहते हैं और देखते हैं यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा रख लेता हूँ ऑलमोस्ट, ताकि मुझे थोड़ा सेंटर लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ मूव कर रहे हैं थोड़ा सा और, मैं इसे लेफ्ट कर लेता हूँ। अगेन मैंने भी वही किया, अभी खुद गलती से कैमरा को सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो मैं इसे कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। यहाँ पर है हमारा ये, इसको मैं थोड़ा सा इधर लाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हमारा अब ये थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है, यहीं से हल्का सा राइट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आप टाइम लगा कर जैसी एडजस्टमेंट करोगे वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है, हमने सीख लिया कि कैसे कैमरा ट्रैकिंग करनी है, कैसे टेक्स्ट को उसके अंदर प्लेस करना है सीन के अंदर, ठीक है, किस तरह से उसका कलर वगैरह करना है, ये चीज़ हमने देख ली है। अब जो सेकंड हाफ ऑफ द ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैरेक्टर को हम आप पे डालेंगे, क्रीचर जो हमने बनाया हुआ था उसको कैसे वहाँ डालेंगे, उसकी शेडोज किस तरह से क्रिएट होंगी, वो सारा का सारा हम सेकंड पार्ट ऑफ ट्यूटोरियल में कवर करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो काफी लंबी होगी इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वंस अगेन हमारा 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट डेफिनेटली आपको कल देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर हम क्रीचर वाला पार्ट जो है वो कैसे कंप्लीट किया वो सीखेंगे। मीनवाइल अगर आपको फ्यूजन के बारे में और नॉलेज चाहिए तो यहाँ पर मैंने दो वीडियोज के लिंक दिए हुए हैं जिसके अंदर मैंने फ्यूजन के बारे में सिखाया हुआ है, तो कीजिए इनमें से किसी भी वीडियो पे क्लिक और खो जाइए फ्यूजन की अनोखी दुनिया में। मिलते हैं कल, नमस्कार।